चलते हैं लाइव बीकानेर, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं और कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सभी को नमस्कार। हम सभी के लिए बड़े ही हर्ष और गौरव का विषय है कि आज महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में ऑडिटोरियम तथा इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लोकार्पण व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की मूर्ति के अनावरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी व माननीय मंत्रीगण हम सभी के बीच मौजूद हैं। विश्वविद्यालय परिवार की ओर से सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। निवेदन करना चाहूंगी माननीय कुलपति महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय प्रोफेसर वी के सिंह सर से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को साफा पहनाकर उनका स्वागत करें। निवेदन करना चाहूंगी श्रीमती कृष्णा पूनिया अध्यक्ष राज्य क्रीड़ा परिषद से कि वह माननीय मुख्यमंत्री जी को शॉल पहनाकर उनका स्वागत करें। इसी क्रम में निवेदन करना चाहूंगी कुल सचिव महोदय महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय श्री यशपाल आहूजा जी से कि वह डॉक्टर बी डी कल्ला माननीय शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार का स्वागत करें। निवेदन करना चाहूंगी माननीय कुलपति महोदय व कुल सचिव महोदय से कि श्री राजेंद्र सिंह यादव माननीय उच्च शिक्षा राज्य मंत्री का स्वागत करें। निवेदन करना चाहूंगी कुल सचिव महोदय व कुलपति महोदय से कि श्रीमती कृष्णा पूनिया माननीय अध्यक्ष राज्य क्रीड़ा परिषद का स्वागत करें। निवेदन करना चाहूंगी माननीय कुल सचिव व कुलपति महोदय से कि श्री भंवर सिंह भाटी माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री राजस्थान सरकार का स्वागत करें। निवेदन करना चाहूंगी माननीय कुलपति महोदय व कुल सचिव महोदय से कि श्री जगदीश चंद्र जी माननीय विधायक सादुल शहर का स्वागत करें। ये उनका ऐसा बीसी सर को देना है। स्वागत उद्बोधन के लिए निवेदन करना चाहूंगी माननीय कुलपति महोदय जी से कि वे पधारें और अपना स्वागत उद्बोधन दें।
औपचारिक स्वागत के बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय विनोद कुमार सिंह जी से कि वे स्वागत उद्बोधन और आज के इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचार रखेंगे। माननीय कुलपति प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह जी। माननीय कुलपति महोदय से निवेदन करूंगा। मैं माननीय कुलपति महोदय से निवेदन करूंगा कि अपने विचार रखेंगे। माननीय कुलपति महोदय स्वागत उद्बोधन और आज के इस कार्यक्रम। नमस्कार। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में नवनिर्मित ऑडिटोरियम और इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लोकार्पण समारोह एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की मूर्ति के अनावरण समारोह राजस्थान के जनप्रिय कुशल प्रशासक एवं मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक गहलोत जी, डॉक्टर बीडी कल्ला जी माननीय शिक्षा मंत्री राजस्थान, श्री रामेश्वर लाल डूडी जी माननीय अध्यक्ष राजस्थान कृषि उद्योग विकास बोर्ड, श्री राजेंद्र सिंह यादव जी माननीय उच्च शिक्षा मंत्री राजस्थान, श्री भंवर सिंह भाटी जी माननीय ऊर्जा मंत्री राजस्थान, श्रीमती कृष्णा पुनिया जी माननीय अध्यक्ष राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद एवं अध्यक्ष विश्वविद्यालय खेल बोर्ड एवं सदस्य प्रबंध बोर्ड, श्री जगदीश चंद जी माननीय विधायक एवं सदस्य प्रबंध बोर्ड, लोकार्पण कार्यक्रम में पधारे निगम एवं बोर्ड के माननीय अध्यक्षगण, समारोह में पधारे सांसदगण, विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, विश्वविद्यालय प्रबंध बोर्ड एवं विद्या परिषद के माननीय सदस्यगण, अन्य विश्वविद्यालयों के साथी कुलपतिगण, जिला प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारीगण, संभागीय क्षेत्र में पधारे महान शिक्षाविद बंधुओं, विश्वविद्यालय के कुलसचिव श्री यशपाल आहूजा जी हमारे मध्य, ग्रामीण ओलंपिक में सम्मिलित बीकानेर क्षेत्र के प्रतिभावान खिलाड़ी, विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षकगण, अधिकारी, कार्मिक, संबद्ध महाविद्यालयों से पधारे प्राचार्यगण एवं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, समारोह में पधारे प्रेस एवं मीडिया के पत्रकार बंधुओं, लोकार्पण एवं अनावरण समारोह के इस पावन अवसर पर मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय मंत्रीगणों का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप अपने व्यस्ततम समय से जो क्षण निकालकर विश्वविद्यालय को दे रहे हैं और हमारे मध्य उपस्थित हुए हैं, इसके लिए विश्वविद्यालय परिवार आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। आज हमारे सौभाग्य का दिन है कि हमारे परम सम्माननीय मुख्यमंत्री जी इस गरिमामय समारोह की शोभा बढ़ा रहे हैं। माननीय, आज का दिन विश्वविद्यालय के इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिपिबद्ध किया जाएगा।
मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आपने जिस सहज भाव से इस कार्यक्रम में पधारने के लिए हमारे निमंत्रण को स्वीकार कर हमें अनुग्रहित किया है, हम इसके लिए संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपके आभारी हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर आपका सानिध्य पाकर हम आपको गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आपका मार्गदर्शन एवं प्रेरणा हमारे लिए संजीवनी का कार्य करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। माननीय महोदय, आप श्री द्वारा ही वर्ष 2003 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। आज 19 वर्ष पश्चात यह विश्वविद्यालय अपने मूल स्वरूप को विकसित करते हुए समाज एवं देश हित में शिक्षा एवं शोध में नवाचारों के माध्यम से प्रगति की ओर अग्रसरित हो रहा है। विश्वविद्यालय का प्रत्येक कार्मिक प्रतिबद्ध होकर संकल्पित है कि वह इस विश्वविद्यालय को एक ऐसे राष्ट्रीय शिक्षण संस्था के रूप में विकसित करने में अपना संपूर्ण योगदान देगा, जो विश्व के विश्वविद्यालयों के लिए भी एक मॉडल बन सके। माननीय महोदय, मुझे यह अवगत कराते हुए भी अत्यंत खुशी हो रही है कि हमारे माननीय मंत्रीगण, प्रबंध बोर्ड के सदस्यों, जनप्रतिनिधियों का विश्वविद्यालय को अपार सहयोग प्राप्त होता रहा है। माननीय मंत्रीगणों के प्रयासों से विश्वविद्यालय निरंतर प्रगति की ओर अग्रसरित है। इसके लिए विश्वविद्यालय परिवार, माननीय मंत्रीगणों का भी हृदय से आभार व्यक्त करता है। माननीय महोदय, विश्वविद्यालय परिषद में निर्मित अहिंसा पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों एवं उनके जीवनी को इंगित करते हुए यहां आने वाले विद्यार्थियों को गांधी जी के सिद्धांतों से सुपरिचित कराएगा और उनमें अहिंसा परमो धर्म को अपनाने का संकल्प जागृत होगा। इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि हमारे विद्यार्थियों को गांधी जी की दृष्टि से उल्लेखित 7 पापों यथा सिद्धांत के बिना राजनीति, परिश्रम के बिना संपत्ति, अंतरात्मा के बिना आनंद, चरित्र के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना वाणिज्य, मानवता के बिना विज्ञान एवं त्याग के बिना पूजा को अपने जीवन से दूर रखना चाहिए। ये 7 पाप जो महात्मा गांधी जी ने बताए हैं, अगर हर व्यक्ति उनको अपने जीवन में उतार ले तो ये भारतवर्ष स्वर्ग हो जाएगा। माननीय, आज आप द्वारा लोकार्पित ऑडिटोरियम और इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण का कार्य 2018 में माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा किया गया था। इनके निर्माण में 41.5 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है, जिसको विश्वविद्यालय ने अपने स्वयं की आय से वहन किया है। 1000 की बैठक क्षमता वाला पूर्णतः वातानुकूलित ऑडिटोरियम 2600 स्क्वायर मीटर में निर्मित है। अत्याधुनिक संसाधन युक्त ऑडिटोरियम के निर्माण से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शैक्षणिक संगोष्ठियों के आयोजन एवं एकेडमिक आदान प्रदान हेतु शिक्षकों और विद्यार्थियों को उचित स्थल प्रबंध करेगा। महोदय, इस अवसर पर मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय द्वारा अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय परियोजनाओं में 197 पदक प्राप्त किए हैं, जिनमें से 71 पदक साइकिलिंग में ही प्राप्त हुए हैं।
इस विश्वविद्यालय ने अनेक खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कराया है, जिसमें उनको द्रोणाचार्य और गुरु वशिष्ठ अवार्ड से सम्मानित होकर राजस्थान एवं विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ाया है। आप श्री द्वारा 2021 में राजीव गांधी साइकिलिंग वेलोड्रोम का शिलान्यास किया था, जो आगामी समय में यहां के खिलाड़ियों के लिए उपयोगी होगा। परिसर में जो खेल कूद की सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, वे खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए वरदान साबित होंगी तथा विश्वविद्यालय की उच्च शिक्षा केंद्र के साथ साथ स्पोर्ट्स हब के रूप में भी पहचान करेंगी। माननीय जी, इस शुभ अवसर पर मेरा आपसे आग्रह है कि आप विश्वविद्यालय को शिक्षा संकाय और शारीरिक शिक्षा विभाग में MPED एवं शिक्षा विभाग में MED पाठ्यक्रम की स्वीकृति प्रदान करवाएं, जिससे बीकानेर के संभाग के खिलाड़ियों को खेलों के साथ साथ प्रशिक्षण भी प्राप्त करने का अवसर मिले। आपको यह जानकारी देना चाहूंगा कि परिसर में 100 किलोवाट का ग्रीन कॉरिडोर सोलर कॉरिडोर बना हुआ है और 500 किलोवाट की क्षमता का सोलर प्लांट विकसित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परिसर में वर्षा जल संग्रहण हेतु 13 लाख लीटर क्षमता के टैंकों का निर्माण कराया जा चुका है। आप श्री की भावनाओं के अनुसार अपना यह विश्वविद्यालय बालिकाओं को उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत है। महिलाओं में शिक्षा के प्रति अलग जगाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय उन्हें स्वरोजगार के प्रति जागरूक करने का पुनीत कार्य कर रहा है। महोदय, विश्वविद्यालय परिसर में केंद्रीय शोध केंद्र स्थापित किया जा रहा है, जिससे विश्वविद्यालय के साथ साथ संबद्ध महाविद्यालयों में शिक्षक विद्यार्थी भी आकर शोध कर सकेंगे। माननीय महोदय, विश्वविद्यालय में बीकानेर से बाहर से आने वाले विद्यार्थियों के लिए एक राजीव गांधी विद्यार्थी सुविधा केंद्र का निर्माण किया गया है, जिसमें वे इंटरनेट, कंप्यूटर में प्रिंटिंग, फोटो स्टेट और अन्य सुविधाओं से युक्त हो पाएंगे। इस विश्वविद्यालय को आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आपके कुशल प्रशासनिक नेतृत्व में यह विश्वविद्यालय शैक्षणिक, शोध एवं सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर उच्च ग्रेडिंग एवं अव्वल स्थान प्राप्त करने का प्रयास करेगा। इसी आशा एवं विश्वास के साथ आप श्री एवं माननीय मंत्रीगणों को पुनः हृदय से आभार एवं अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। मैं सभी खिलाड़ियों से अनुरोध करूंगा कि वे शांति बनाए रखें। अब मेरा निवेदन हमारे विभाग के उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह जी यादव साहब से कि वे इस अवसर पर अपनी बात रखें। उच्च शिक्षा मंत्री श्री राजेंद्र सिंह जी यादव साहब। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के आज इस इंडोर स्टेडियम और विभिन्न कार्यक्रम में पधारे आदरणीय राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, आपके लाडले बीकानेर से आदरणीय BD कल्ला साहब, आदरणीय रामेश्वर डूडी जी, भाई भवर सिंह भाटी जी, कृष्णा पूनिया जी, जगदीश जागीर जी, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर विनोद सिंह जी, सतवीर चौधरी जी और समस्त विश्वविद्यालय परिवार और यहां बैठे सभी युवा शक्ति, सबसे पहले मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूं कि अपने व्यस्त टाइम में से समय निकाला और बहुत दिन से जो
बीकानेर का दौरा नहीं हो पाया था, उसमें आज यहाँ पधारे। उच्च शिक्षा मंत्री होने के नाते मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत वक्ता और भी हैं, मैं कहना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने उच्च शिक्षा में जो आयाम कायम किया है, पिछले बजट में जिस समय 86 महाविद्यालय नए खोलने की घोषणा हुई, तो मैं उच्च शिक्षा मंत्री होने के नाते सोचता था कि एक साल में 86 महाविद्यालय कैसे शुरू होंगे। अथक प्रयास और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से आज 60 से ऊपर महाविद्यालयों का काम शुरू हो चुका और सारे 86 के 86 महाविद्यालय दूसरे प्रांगणों में शुरू हो चुके। गरीब के प्रति पीड़ा और खासकर युवाओं के प्रति जो माननीय मुख्यमंत्री का हृदय में जगह है, आज जिस विशाल हम इस इंडोर स्टेडियम में बैठे हैं, ये सोच हमारी बहन कृष्णा पूनिया जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से है। एक बड़ी योजना मैं कहना चाहूंगा, हमें कई बार जिक्र होता था कि हमारे जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, गरीब परिवार हैं, उनके बच्चे कभी कभी जब सपना देखते हैं विदेश में शिक्षा पाने का, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में 100 करोड़ रुपए की घोषणा की, जिसके अंदर हमारे युवा विदेशों में जाके जो है शिक्षा ग्रहण कर सकें। और मैं कहना चाहूंगा कि इसमें टोटल खर्चा राज्य सरकार वहन कर रही है और इसमें बहुत युवा आगे आए हैं। मैं फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। राम राम साहब। धन्यवाद सर। अब मेरा निवेदन हमारे इस विश्वविद्यालय प्रबंध बोर्ड की सदस्य और आज के हमारे इस कार्यक्रम की हीरो कृष्णा पूनिया मैडम से निवेदन करूंगा। एक बार जोरदार तालियों से कृष्णा पूनिया मैडम का स्वागत करें, वे आए और अपना उद्बोधन दें। कृष्णा पूनिया मैडम। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के तत्वधान में आज आयोजित इस प्रोग्राम में विशेष तौर से आशीर्वाद हमें देने पहुँचे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक गहलोत जी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करती हूँ और जोरदार तालियों से आपकी तरफ से स्वागत। मंचासीन सम्मानीय बीडी कल्ला साहब, शिक्षा मंत्री सम्मानीय राजेंद्र यादव जी, उच्च शिक्षा मंत्री सम्मानीय रामेश्वर लाल डूडी जी, कृषि उद्योग विकास बोर्ड चेयरमैन सम्मानीय भंवर सिंह भाटी जी, ऊर्जा मंत्री सम्मानीय जगदीश चंद्र जी, साथी विधायक और बोर्ड के मेंबर सम्मानीय सतबीर जी, सम्मानीय कुलपति महोदय विनोद जी, मेरे सामने विराजमान सभी हमारे कांग्रेस के जन पदाधिकारी, पूर्व में मंत्री, विधायक, सभी हमारे खिलाड़ी, कोचेज, मीडिया के साथीगण, सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, लेकिन मैं साथी जो खिलाड़ी मेरे सामने बैठे हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच में मौजूद हैं, पर खिलाड़ियों की तरफ से मौजूदगी दर्ज कराने के लिए मैं नारा दूंगी और मैं देखना चाहती हूं कि आप